बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आईटी सेकंड ईयर, आज हम इसका लेक्चर नंबर 5 चैप्टर 1 का जो कि फाइनल लेक्चर है आज का, जिसका टॉपिक है डेटाबेस टूल्स। इससे पहले हमने कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स के बारे में जाना था। डेटाबेस टूल्स MS Access, ये भी एक डेटाबेस टूल है। इसी तरह से MySQL है। ये दो जो टॉप वाले टूल्स हैं ये कोर्स में हैं आपके। इसके अलावा वो भी बहुत से डेटाबेस टूल्स हैं जिसमें Oracle है, MySQL सर्वर है, MonoDB है और NoSQL है। आपको पता होगा डेटाबेस टूल्स जो हैं वो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। एक एक करके हम MS Access और MySQL को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन हैं और MS Access इसकी प्रोडक्ट है, और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए उनताई जो है ना, ये सस्ता ज़रिया है। और ये एक पावरफुल डेटाबेस, वो भी स्मॉल स्केल में अगर आप बनाना चाहते हैं तो MS Access एज ए डेटाबेस टूल आप यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले जो है ना, ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट के तौर पर मिल जाता था। अब जो नई रिलीज आई है वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल पैकेज के साथ आपको MS Access अवेलेबल। इसका पहला जो वर्जन था वो 1992 में रिलीज हुआ, और उसके बाद 1993 में इसका नेक्स्ट वर्जन आया था 1.1। इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट हुई थी, इन्हांस हुई थी, और एक्सेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट 97 टू एंड 2000 तक मोस्ट सिग्निफिकेंट इसके वर्जन आए हैं। और इसके बाद जो 2007 में जो लेटेस्ट वर्जन आया था उसमें एक नई डेटाबेस जो है ना फॉर्मेट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस कराई थी, ACCDB, जिसको एक्सेस डेटाबेस फॉर्मेट कहते हैं। ये मल्टी वैल्यू डेटा टाइप को भी स्पोर करता है, और फाइल अटैचमेंट किसी हम अटैचमेंट भी कर सकते हैं। इससे पहले अटैचमेंट और मल्टी वैल्यूज जो डाटा टाइप थी वो सपोर्ट नहीं होती थी। कुछ फीचर हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी सबसे पहला जो उसका फीचर है कि हम इसमें एक डेटाबेस बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं, क्यूरीज हैं, फॉर्म, रिपोर्ट्स, इनको बना सकते हैं, और अदर जो है मैक्रोज हैं उनके साथ इसको कनेक्ट किया जा सकता है। फिर इसके अलावा इसमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की भी सहूलियात हैं। यानी अगर आपके पास अदर जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एक्सेल है, आउटलुक है, ASCII है, और डेटाबेस DB से फॉक्स प्रो बहुत मशहूर जो है ना डेटाबेस टूल यूज़ होता था। इसके अलावा पैराडॉक्स है, SQL सर्वर, Oracle, यानी इन डेटाबेस टूल से अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, तो ये सहूलत प्रोवाइड करता है MS Access। इसके अलावा MS Access में पैरामीटराइज SQL जो है ना कमांड्स की भी जो है ना फीचर है। आप इसमें SQL की कमांड लिख कर उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनको यूज़ किया जा सकता है, जैसे VB6 है, C# है, और .NET। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो फाइल सर्वर बेस्ड डेटाबेस है, अनलाइक क्लाइंट सर्वर जिसमें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो इसमें ट्रिगर, स्टोर प्रोसीजर और ट्रांजैक्शन लॉगिंग जो है वो इस्तेमाल नहीं होती। इसी तरह बात करते हैं MySQL। MySQL एक ओपन सोर्स डाटा बेस टूल है, जिसको स्वीडिश कंपनी जिसका नाम ही MySQL AB था, उन्होंने डेवलप किया इसे, और MySQL को प्रोनाउंस किया था MySQL, और जबकि जो SQL है वो SQL भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है।
माई एस क्यूएल बहुत से जो है ना प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, लाइक विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स और एप्पल के जो है ना मैक ओएस। और इसके अलावा माई एस क्यूएल जो है वो फ्री और पेड वर्जन दोनों में अवेलेबल होता है, डिपेंड करता है क्या इस्तेमाल है, या इसको नॉन कमर्शियल यूज़ करना है, कमर्शियल यूज़ करना है। इसके अलावा ये मल्टी थ्रेड सपोर्ट करता है, मल्टी यूज़र्स और पावरफुल इसका डेटाबेस सर्वर होता है। माई एसक्यूएल को जिन्होंने डेवलप किया था उनका नाम है माइकल विडनेस एंड डेविड एक्स मॉर, जिन्होंने 1994 में इसको डेवलप किया था। उसका जो फर्स्ट इंटरनल रिलीज आई थी 23 मई 1995 को, जबकि जो विंडोज़ वर्जन जो रिलीज़ हुआ था वो 8 जनवरी 1998 को। और इसके अलावा फिर ये 95 और 90 NT न्यू टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी यूज हो रहा है। इन फर्दर इसको सन माइक्रो सिस्टम ने एक्वायर कर लिया था 26 फरवरी 2008। कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं जो माई एसक्यूएल प्रोवाइड करता है। जैसे ये हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस टूल है, स्केलेबिलिटी होती है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, किसी भी जन एनवायरनमेंट में ये रन होता है। इसमें आप वेब और डाटा जो है ना वेयर हाउस अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इसका जो स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन होती है, कंप्रिहेंसिव एप्लीकेशन जिसमें आप डेवलप कर सकते हैं, इजी मैनेजमेंट है इसकी, और स्ट्रॉन्ग जो है ट्रांजेक्शन सपोर्ट है, ओपन सोर्स की फ्रीडम है, और 24/7 इसकी सपोर्ट अवेलेबल होता है। ये एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट। तो आज आपने डेटाबेस टूल्स के बारे में जाना है, इन टूल्स का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम अपना कोई डेटाबेस डिज़ाइन कर सकें, उसे मैनेज कर सकें, यूज़ कर सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको टूल आप समझ आ गए। प्रैक्टिकल में भी हम एक्सेस अभी यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद माई एसक्यूएल का भी प्रैक्टिकल परफॉर्म होगा। प्रैक्टिकल अगर कोई क्यूरी वगैरह है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप क्लास में इसको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।